हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वाइट मिल्क ब्रेड, जो आप सुबह नाश्ते में, सैंडविच के लिए, टिफ़िन में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है और बहुत इजीली बन जाती है। सिर्फ थोड़े टिप्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, मैदा, बटर, शक्कर, ईस्ट, नमक और दूध। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए बनाते हैं। एक बोल में मैदा डालें। इसके अंदर अब हम ईस्ट डालेंगे। ईस्ट डाल दें, ये शक्कर डाल दें। इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब इसके अंदर दूध डाल दें। दूध थोड़ा सा बचा कर रखें, आधे से ऊपर डाल दें और इसको स्पैटुला से मिक्स कर दें। इसको हमें पहले स्पैटुला से अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल दें और इसको अच्छे से हिला लें। थोड़ा सा हिलाने से ये हर तरफ दूध और ईस्ट मिक्स हो जाएगा। अब हम नमक डालेंगे। ईस्ट और नमक साथ में नहीं डालते हैं, अलग अलग डालना चाहिए, नहीं तो ईस्ट को ये फर्मेंट नहीं होने देता है नमक। अब स्पैटुला को क्लीन करके हमें ये आटा हाथ से गूंदना है। इसको अच्छे से गूंद लीजिए। इसको हमें रोटी के आटे से सॉफ्ट गूंदना है। ये जितना सॉफ्ट होगा हमारी ब्रेड उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। ये आटा सख्त नहीं होता है। इसको हमें अच्छे से सॉफ्ट गूंद के बोल को आप थोड़ा साइड में रख लें और प्लेटफॉर्म के ऊपर गूंदेंगे। ये प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके से आप थोड़ा सा बिछा दें, प्लेटफॉर्म क्लीन करके, और इसके ऊपर बटर डाल दें। बटर को थोड़ा हाथों से फैलाकर इसको अब हमें आटे में मिक्स करना है। और आटे को तब तक हमें मिक्स करना है जब तक पूरा बटर इसके अंदर मिक्स ना हो जाए और आटा और भी सॉफ्ट हो जाएगा उससे। ये देखिए, और इस तरीके से आपको थोड़ा सा ज़ोर लगाकर गूंदना है। इसको हम स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड कहते हैं। जैसे एक हाथ से आपको स्ट्रेच करना है और एक हाथ से डो को पकड़ना है। इस तरीके से जितना आप आटा गूंदेंगे उतनी ही ब्रेड अच्छी बनेगी। ये देखिए, आप देखेंगे कि आटे का टेक्सचर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। ये सॉफ्ट एंड सिल्की होता जा रहा है, शाइनी भी हो रहा है। ये देखिए, इस तरीके से आपको अच्छे से गूंद के इसको राउंड करके फिर उसी बोल में रख देना है। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा बटर अप्लाई कर दीजिए उंगलियों से और इसको आप क्लिंग रैप फिल्म से कवर कर दीजिए। कवर करके इसको हमें 1.5 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए किसी गर्म जगह पर रखना है। आप चाहे तो ओवन में रख सकते हैं या जहाँ भी गर्माहट हो उसमें। इसको अब हम निकाल देंगे और इसको हाथों से ऐसे पंच करेंगे। इसको आपको पंच करके फिर से प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा बटर लगा के फिर वही स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको हमें एक हाथ से खींचना है और एक हाथ से हमको पकड़ना है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। स्ट्रेच एंड फोल्ड, स्ट्रेच एंड फोल्ड, स्ट्रेच एंड फोल्ड। ये देखिए, अब आटे में से थोड़ा सा लोई निकालें और इसको स्ट्रेच करें। इसको विंडो पेन मेथड कहते हैं। इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको पीछे की लाइट दिखेगी। आपको मेरी उंगली भी दिख रही है। इसका मतलब कि हमारा आटा परफेक्ट है। इसको फिर से गोला बनाकर आप उसी बोल में रख लें और इसको फिर से क्लिंग रैप में रैप करके 20 से 25 मिनट के लिए रख दें। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा और भी फूल गया है और थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया है। इसको फिर से अब हम निकालेंगे, हल्का सा इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे। इस बार हमें ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट करना है। और इसको इस तरीके से करके आप
इसको फैला दें, थोड़ा सा बेल के फैलाना है इस तरीके से, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसको मोटा ही रखना है। और अब हम इसको दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमें इसको ऐसे पिंच कर देना है ताकि जब ये बेक हो तो ब्रेड खुले नहीं। ये मेरा मोल्ड है, राउंड मोल्ड, जिसमें मैं बेक करूँगी। आप कोई भी ब्रेड का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने तो हल्के से बटर लगा दिया है। अगर आपके पास ये राउंड मोल्ड है तो आप इसका मेजरमेंट डबल कर दीजिए। मुझे इसकी हाफ क्वांटिटी ब्रेड चाहिए थी, इसके लिए मैंने इतनी ही बनाई है। ये मैंने एक, मेरे पास स्टार्ट का बेस था वो रख दिया इसकी साइड में ताकि हमारी ब्रेड आगे ना आए। और इसको अब मैं पैक कर रही हूँ। इसको हमें 15 से 20 मिनट तक रखना है और फिर से खोलकर इसके ऊपर अब मैं मिल्क वॉश लगाऊंगी। अगर आप एग यूज़ करते हैं तो एग वॉश कीजिए। ये लगाने से हमारा ऊपर का क्रस्ट ब्राउन अच्छा होता है। इसको 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 30 से 35 मिनट्स के लिए बेक कर दीजिए। ये देखिए ब्रेड बेक होकर रेडी है। कितनी बढ़िया बेक हुई है, परफेक्ट राउंड बेक हुई है। इसको अब मैं स्लाइस करके आपको बताऊंगी कितनी अच्छे से स्लाइस हो रही है। ऊपर का क्रस्ट भी उतना ही अच्छा बना है। ये देखिए अंदर का टेक्सचर और टेस्ट में भी उतनी ही अच्छी है। ये देखिए थोड़ी सी मोड़ के भी बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी बनी है। फ्रेंड ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिले। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।